बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं टेक्निकल सैम और मैं हूं आपका दोस्त सोहेल। तो दोस्तों, आज हम आपको काक लगाने का तरीका बताते हैं, बहुत ही आसान सी टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करंटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लेकर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देख सकते हैं दोस्तों, ये भी काक और ये टेफ्लॉन और धागा मिक्स करके हमने लगाना है। सबसे पहले हमने ये डेड काक खोल लेना है। स्क्रू रेंच अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसके साथ भी आप खोल सकते हैं। अगर आपके पास स्क्रू रेंच अवेलेबल नहीं तो प्लास के साथ मदद से भी आप खोल सकते हैं इसे। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने वाल बंद कर दी, जो पाइप के अंदर पानी है वो निकल रहा है। तो ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा अंदर है, तो ये एंची वाली सीपी नोजल है, हमने इसको लगाना है, एडजस्ट करना है। और ये देख सकते हैं, हमने क्लॉक वाइज इसके ऊपर टेफ्लॉन और धागा मिक्स करके लगाया है। बहुत ही ज़बरदस्त सी टेक्निक, आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। बिना प्लम्बर के आप घर बैठे अपने खुद वाशरूम के अंदर भी काक लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये सीपी काप है दोस्तों, देख सकते हैं इस तरह सीपी काप हमने ये लगाना है इसके ऊपर। देख सकते हैं दोस्तों, ये आम नॉर्मल सीपी काप पिपकॉक के लिए, ये जो पीछे कट बना होता है ये इसके पीछे छुप जाता है। तो ये इस तरह से सीपी का रख के हमने टेफ्लॉन और धागा मिक्स करके हमने इस तरह से क्लॉक वाइज हमने ये टेफ्लॉन और धागा का धागा इसके ऊपर लगा देना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी टेक्निक दोस्तों, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिना प्लम्बर के घर बैठे आप लगा सकते हैं बआसानी। और देख सकते हैं दोस्तों, ये हम आपको पिपकॉक टाइट करने का तरीकाकार बताते हैं। ये हमने पहले ही हाथों के साथ इसको चूड़ी के अंदर सीपी नोज़ल के एडजस्ट करके आप टाइट करेंगे तो सीपी नोज़ल भी साथ टाइट हो जाएगी और आपकी पिपकॉक भी साथ ही इसके टाइट हो जाएगी। ये हाथों के साथ हमने इसको पहले टाइट कर लेना है मजबूती के साथ। अगर आपके हाथों के ग्रिप मजबूत है तो आप पिपकॉक को बिना किसी रेंच के आप टाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने अब इसको सीधा करना है दोस्तों, क्योंकि ये टाइट हो चुकी है। तो ये कट है इसका, यहाँ पे इस कट से हमने टाइट करना है, ना कि हमने यहाँ पे पेपर रेंच नहीं यूज़ करना, हमने जो स्टेपल रेंच यूज़ करना है, स्क्रू रेंच हमने यहाँ पे यूज़ करना है। देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको अब यहाँ पे सीधा करना है, तो ये टाइट हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी टेक्निक, ये हमारी पिपकॉक अब बिल्कुल सीधे एंगल में आ चुकी है। और ये सीपी का हमारा, ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो पीछे होल बना था वो उसको भी छुप गया है और इसकी लुक भी बहुत ही प्यारी निकलती है सीपी का लगाने से। ये देख सकते हैं कि सीपी का हमारा बिल्कुल दीवार के साथ एडजस्ट हो चुका है, जो यहाँ पे कट था एक्स्ट्रा वो भी कट इसके पीछे छुप चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी टेक्निक, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कीजिए, अपने भाई अपने दोस्त को दुआओं में याद रखना और अच्छे अच्छे कॉमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।